नवरात्रि में आज हम बनाने वाले हैं आलू पराठा और उसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा रायता। आज बहुत ही सिंपल सी हम डिश बनाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे आलू पराठे से। तो आलू पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो आलू को बॉईल कर लिया है और इसे हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना है। तो आलू को हम ऐसे ग्रेट करके ही यूज़ करेंगे। अगर आप इसे मैश करेंगे तो क्या होगा कि अच्छे से मैश भी नहीं होगा और जब आप पराठा बेल रहे होंगे तब अच्छे से वो नहीं बेल पाएंगे आप उसे, और बीच में से टूट भी जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो आलू को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया था। साथ ही में हम यहाँ पे एक कप जितना गाजर ऐड कर देंगे, धनिया ऐड कर देंगे, उसके बाद नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे। सारे मसाले एक बार हम ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले आटा नहीं ऐड करना है, सबसे पहले तो सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बार अच्छे से मसाले मिक्स हो जाए और उसी के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस। नींबू के रस को ऐड करने के बाद हमें वापस से अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे आटा। तो मैंने एक कप राजगीरा का आटा लिया है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक ही कप राजगीरा का आटा लीजिए और उसी के बाद अगर ज़रूरत है तो आपको ज़्यादा आटा यहाँ पे ऐड करना है, अदरवाइज़ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एक कप आटा एकदम परफेक्ट है। आटे को ऐड करके हम एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करते वक्त हमें यहाँ पे बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है, जो हमने आलू का यूज़ किया था बस उसी से हमें आटा तैयार करना है। आटा अच्छे से तैयार हो चुका है, ऊपर से एक चम्मच हम यहाँ पे तेल डाल देंगे और अच्छी तरह से वापस आटे को मसल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बहुत ही परफेक्ट सा तैयार हो चुका है, इसे रेस्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ के सारे बॉल्स तैयार किए हैं। आप जितनी भी बड़ी साइज़ के पराठे बनाना चाहते हैं बस उतनी साइज़ के आप बॉल्स तैयार कर लीजिए। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो बेलते वक्त आपको इस तरह का एक पेपर ले लेना है, तो मैंने यहाँ पे पाश्मे पेपर लिया है और उसी पे मैं बेल लूँगी। आपके पास अगर ऐसा पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर या तो नॉर्मली जो पॉलीथीन आती है थोड़ी मोटी वाली, बस उसी में भी आप बेल सकते हैं। तो पॉलीथीन में अगर आप बेल रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए और बेल लीजिए, वैसे भी बहुत ही आसानी से आप उसमें भी रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम पराठा है वो थोड़ा सा थिक रखेंगे, एकदम पतला नहीं बेलेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे मैंने पराठा बेल लिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा हमारा पराठा बनके तैयार हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैंने यहाँ पे एक तवी गरम करने के लिए रख दी थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जिस पेपर में हमने पराठा को बेला था बस उसी पेपर में ऐसे ही हमें उल्टा करके डाल देना है ताकि अच्छी तरह से हम इसे डाल सकेंगे और फटेगा भी नहीं हमारा पराठा। अब हमें इसे दोनों साइड सबसे पहले बहुत ही अच्छे से पका लेना है, पहले तो दोनों साइड पक जाए उसी के बाद हम ऑयल अप्लाई करेंगे। तो बहुत ही कम ऑयल में हमें पराठे को सेक लेना है। अच्छे से थोड़े से क्रिस्पी हो जाए तब तक हम इसे सेक लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे पराठे को सेक लूँगी। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे कुक करना है। गैस की फ्लेम को अगर हम हाई करेंगे तो बीच में से थोड़े कच्चे भी रह जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे सारे पराठे बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम बना लेते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी सा रायता। तो हम बनाने वाले हैं क्यूकम्बर का रायता। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्यूकम्बर ले लिया है, उसे हम कर लेंगे ग्रेट। तो यहाँ पे हमें इसे बारीक कट करके जो नॉर्मली रायता होता है वैसा नहीं बनाना है, बस इसे ऐसे ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पे खीरा जो क्यूकम्बर आता है वो वाला लिया है, उससे हमारे रायते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अगर आपके पास इस तरह का क्यूकम्बर अवेलेबल है तो आप उसी से बनाइए, अदरवाइज नॉर्मल क्यूकम्बर से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्यूकम्बर को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है।
अब इसमें हम ऐड कर देंगे दही। तो दही मैंने आधा कप लिया है और बहुत ही खट्टा वाला यहाँ नहीं लेना है, नॉर्मल ही दही हम लेंगे। साथ ही में हम ऐड कर देंगे एक चम्मच सिका हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और साथ ही में एक चम्मच यहाँ पे चीनी ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जो रायता मैं बना रही हूँ उसमें मैंने बिल्कुल तड़का नहीं लगाया है, बिना तड़के का हम रायता बनाएंगे, फिर भी बहुत ही अच्छा हमारा रायता लगेगा। तो सारी चीज़ें बनके तैयार हो चुकी है, अब सर्व कर लेते हैं हमारी डिश। तो रायते के साथ आलू के पराठे हम सर्व करेंगे और उसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सलाद रख लिया है और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी हम इसके साथ ही सर्व कर देंगे। तो नवरात्रि के लिए हमारी परफेक्ट डिश तैयार हो गई है। तो आपको ये वाली डिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।